में मौजूद हूँ। मेरे सामने एक बेवा माँ और नाजरीन तीन इनकी बेटी है नाजरीन, और एक इनका बेटा है वो छोटा है नाजरीन, कमाने वाला नहीं है नाजरीन। नाजरीन आइए माँ जी की हकीकत सुनते हैं, माँ जी की जबानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी तीन बेटियां हैं, एक बेटा 12 साल का है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आसरा नहीं है, तीन बेटियां हैं जवान मेरी बेटियां, उन्होंने भी शादी कर दी है, मैं बड़ी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आसरा नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी। नाजरीन आप देख रहे हैं माँ रो रही है, जाहिर सी बात है, मैं वो वीडियो लेके आता हूँ नाजरीन आपके पास, जो रियल हकदार होते हैं, जिन्होंने रियल में रिश्ता करना होता है नाजरीन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं रिश्ते के लिए सीरियस होते हैं, वो मुझसे रब्ता किया करें, ताकि यार ऐसी फैमिली की मदद भी किया करें, ताकि अल्लाह की ज़ात आप पर खुश हो। जाहिर सी बात है ये फैमिली इतनी गैरतमंद होती है कि इन्हें बोलना भी नहीं आता नाजरीन, वो इन्हें तालीम नहीं दिला सकी। क्या आपने अपनी बच्ची को तालीम नहीं दिलाई? सहन ही नहीं सी कि मैं बच्चे को तालीम दवा सकती हूँ, मेरे इन्हें सहन नहीं है, मैं कमा के खुद बच्चे पाले, मेरी बच्चिया जी ने मेरे में सहन नहीं, मैं बच्चे पढ़ा सकती, बच्चिया नहीं पढ़ा सकी। अगर माँ जी कोई अल्लाह के नेक बंदा आपके साथ रब्ता करता है, कहता है मुदस्सिर भाई इस फैमिली के साथ मेरा रब्ता करो, किसी तरह इनके साथ ताउन भी किया करूंगा और इनकी मदद भी करूंगा। अगर कोई नेक अच्छा रिश्ता आपको कहता है मुदस्सिर भाई कि हम इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, तो मेरी माँ आप मानने के लिए तैयार है या इनका रिश्ता करने के लिए तैयार है? जरूर करना, बेटियां तो करना ही होता, बेटियां जी घर बैठाई जाएगा, हर बेटियां का रिश्ता करना ही होता, बेटियां अगले घर भेजना होता है, कोई अच्छा मिल जाएगा जरूर करांगी, कोई हजे तो इस वक्त साढ़े कोई रिश्ता करना नहीं चाहता, क्योंकि असं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ दे नहीं सकती। नहीं आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत सी ऐसी फैमिली है जो मुझे कॉल करती है कि मुदस्सिर भाई हम रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं, झूठ बोलते हैं रिश्ता करवाने के लिए, ऐसे कह देते हैं, बाद में ना उनकी बात सुनते हैं ना उनकी कॉल सुनते हैं। तो हम तो इंशाल्लाह जो इंसान हमारे से रब्ता करे हम तो फैमिली को मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान अच्छे होने चाहिए, कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। माँ जी आप लाहौर से बाहर भी रिश्ता करने के लिए तैयार है? हाँ जी बेटा कोई आ जाएगा अच्छा रिश्ता तो जरूर कर लेंगे, लाहौर से बाहर ही कर लेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जरूर, अच्छा रिश्ता आएगा तो, अच्छा रिश्ता आएगा तो जरूर करेंगे। बच्ची से बात करते हैं कि बच्ची ने बिना तालीम के कैसे सफर जारी किया और अपने बाप के बगैर इनकी जिंदगी कैसी है, ये इस बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे ये पकड़ लें। मेरी मामा ने हमें बहुत मुश्किल से पाला, हमें पता है हमारी मामा ने हमें कैसे पाला, और इस बात का सिर्फ अल्लाह हुआ है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। नाजरीन आपने इस बहन की बात भी सुनी कि अल्लाह गवाह है कि हमारी माँ ने हमें पाला, और कितनी मुश्किल के साथ कितनी मेहनत के साथ इस माँ ने पाला होगा नाजरीन, कितने इन लोगों का सामना किया होगा, इस गलत माशरे का सामना किया होगा। जिंदा लोग हैं जो बाकी अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मेरे से बात करना चाहते हैं। इसी वीडियो के साथ मुदस्सिर हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह